गाइस वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा खास होने वाला क्योंकि आप सभी को इसमें दिवाली की पूरी हम जो जैसा मना रहे हैं दिवाली वो बताया जाएगा। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, आपके घर परिवार में सुख शांति आए, भगवान माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रकट हो, लक्ष्मी की कभी कमी ना हो आप सबके घर में। तो रात के 8:30 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं अनूप शहर की गंगा जी नहाने जा रहे हैं अपने पितृदेवों को मनाने। उनको भी नहलाएंगे यहाँ पर अपने खेतों पर आकर गांव में। तो अभी हम वहाँ से जल लेने जा रहे हैं, तो बने रहिए एंड तक, गंगा जी तक का आपको ब्लॉग देखने को मिलेगा। तो हम जा रहे हैं बाइक से, ये बाइक हमारी तैयार हो रही है, पेट्रोल चोरी कर रहे हैं क्योंकि इस वाली स्प्लेंडर से जा रहे हैं डिस्कवर में तेल है, इसमें तेल नहीं है तो इसका तेल इसमें डाल लें, ठीक है। तो गाइस देख लीजिए मैंने हुड पहन रखी है और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, ठंडा मौसम है तो धरनाटे काट रही ठंड, और जुकाम भी हो गया गांव में आके बहुत ज़्यादा। कुछ चार बातें हमारी मम्मी कहेंगी, दिवाली की विशेष कर दो सभी को, कह दो दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, हमारी मम्मी को बोलना ही ना, तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत बधाई, मम्मी ये कहना चाह रही हैं। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहे, प्यार दें यार, वीडियो पर कमेंट करें और हैप्पी दिवाली जरूर लिखें, सभी अपने अपने सेलिब्रेट करें सही से, पटाखे खूब दबा के फोड़ी हो क्योंकि इंडिया भी जीती है और दिवाली भी है, तो जश्न इतना होना चाहिए कि धुआं पाकिस्तान तक जाए, समझ रहे हो। इतने पटाखे जलाओ, कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा, सब भग जाएगा एक दो दिन में, ठीक है। इतने पटाखे जलाओ कि धुआं पाकिस्तान तक जाए, क्योंकि बाप बाप होता है, वो बाप से पंगा लेता है हमेशा। औलाद है हमारी, औलाद ही रहेगी। तो पाकिस्तान को आज हारने की मुझे बड़ी खुशी है, दिवाली की भी ना है क्योंकि इंडिया इंडिया है, तो बने रहिए। दोस्तों अनूप शहर पहुँच गए हैं, अभी जो नहाएंगे धोएंगे तो 12 बजे के बाद ही नहाएंगे धोएंगे क्योंकि कल का नहान माना गया है, तो 12 बजे के बाद दूसरा दिन लग जाएगा तभी हम नहाएंगे। जब तक यहाँ पे हम मार्केट है, देख सकते हैं आप अनूप शहर में, तो यहाँ पे हम जब तक टहलेंगे मार्केट में घूमेंगे, अनूप शहर की गंगे मैया जेपी घाट पर हम नहाएंगे। बने रहें ब्लॉग में एंड तक। गाइस नहाने से पहले हम खा रहे हैं खाना, ये देखिए पूड़ी सब्जी, अनूप शहर की मशहूर पूड़ी सब्जी खा रहे हैं, हमारे योगेश भैया हैं इनके साथ में हम खा रहे हैं, ये हमारे दीपांशु है, ये तो यहीं तुम्हें बता दो हम आशा को तो खा। सो गाइस हम छतारी में आ गए हैं नहाना के, देखिए कितनी ठंड हो रही है, बाइक पर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है रात में, ये जल ले आए हैं। अब हम अपने खेतों पे जाएंगे दिन निकलने के बाद, और अपने जो हमारे जो पितर होते हैं, आप सभी को पता है हिंदू धर्म में जो भी होंगे जो पितर होते हैं उन्हें हम नहलाएंगे जाकर, अपने जो देव होते हैं खेतों पे बने होते हैं थान वगैरह उन्हें जाकर नहलाएंगे हम। अभी यहाँ पर थोड़े आग के मजे ले लें, आग जल्दी है, ये छतारी रोड है, इधर खुर्जा के लिए जा रहा है ये, और इधर अलीगढ़ के लिए जा रहा है ये, इधर खुर्जा इधर अलीगढ़। तो गाइस हम आ गए हैं अपने खेत पर, जो मैंने बताया था आपको अपने देवता जो हमारे पितर होते हैं उनको नहलाने के लिए होली दिवाली उनको नहलाया जाता है, तो पिछली बार मैं होली पे भी आया था नहलाने और अब दिवाली पे भी आया हूँ। देखिए गाइस ये हमारे थान हैं, हमारे जो पितर हैं उनके उनका घर मान लो एक तरीके का, जो हमसे दूर चले गए हैं अब वो यहाँ रहते हैं, हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से वो यहाँ रहते हैं, उन्हीं का घर है ये। तो आप सभी देख सकते हैं काफ़ी अच्छे बनवाए, पहले तो बहुत छोटे थे, जैसे साइड में हैं, साइड में किसी और के हैं देव, ये तो ऐसे ही थे पहले और अब हमने बड़े करके बनवाए हैं। भाई जी गंगा जल में गंगा जी से लाया था ये, यहाँ से पानी भर के हमने इसमें मिलाएंगे तब हम गंगा जल से स्नान करेंगे, तो इतना सारा जल तो वहाँ से आएगा नहीं गंगा जी से, इसलिए यहाँ से पानी भर के इसे डाल देते हैं, ये गंगा जल, ये सभी गंगा जल हो गया। तो हम अपने खान बाबा को नहलाएंगे, ऐसे प्रसाद भी गंगा जी से आया था, ये प्रसाद भी यहाँ चढ़ाया जाता है। गाइस देखिए जो हमने लड़ी लगाई है, इन लड़ियों को देख देख के युवराज बहुत खुश हो रहा है, देखो वहीं निगाह जा रही है इसकी और बड़ा खुश हो रहा है युवराज, ये देख ऊपर लड़ी देख, ये देखिए पेड़ों की आज कटिंग करी थी, सीधा रांटे काट रहे हैं पेड़, ये अपनी लड़ी लगाई थी अपनी, ये देखिए हमारे बाबा का नाम है
श्री रघुवीर सिंह राघव स्वतंत्र सेनानी फ्रीडम फाइटर थे वो। ये गाड़ी पे भी लिख रहा है स्वतंत्र सेनानी। ये हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बोल खाटू नरेश की यूपी तेरा। तो गाइस देखिए गांव में कितनी कम सजावट होती है, ये जब हम शहर में होते हैं तो हम जहाँ रहते हैं वहाँ इतने घर सस्ते हैं। यहाँ देखिए एक दो घर सजे हैं, बस अंदर गांव में जाएंगे तो वहाँ सज रहे होंगे एक आध घर, बाकी यहाँ तो कोई नहीं सज रहा। देखो आसपास ये दो घर, ये कि हमारा ये हमारा पूरा घर देखो एंड तक, वहाँ से आगे आगे सजा रखा हमने भी। इतना बड़ा घर है, दो बीघे में घर है, इतनी सारी लड़ियाँ कहाँ से लाएंगे, दुकान लानी पड़ेगी पूरी। देखिए गाइस हमारी दीदी बड़ी वाली और आपकी भाभी काजल मैया रानी की तस्वीर बना रही हैं। अभी लक्ष्मी पूजन होगा थोड़ी बहुत देर में। ये देखिए खुद हाथ से बना रही हैं, पेंटिंग चालू है इनकी। ये हमारा मंदिर है देखिए, यहाँ दो छोटे लड्डू गोपाल और दो बड़े कान्हा जी। ये मंदिर में देखो माता रानी, यहाँ गांव में दीप दिए जा जलते हैं, लाइटों से ज़्यादा दिए लगाए जाते हैं। अभी अंदर गांव में जाऊँगा, इस गांव में आ गया हम अंदर। ये पटाखे बेच रहे हैं भैया मेरे, ये यूट्यूब पे आएगी, नेट पे डलेगी सुबह क्या। पटाखे बिक रहे हैं देख लो, धुआं बखेर रहे। आप कौन से बहन हैं, आप तो खूब देखो। हाँ दोस्तों बच्चे बम फोड़ रहे हैं, कभी हमने भी बहुत फोड़े ऐसे बम। लाइटों की दिवाली गांव में, दिए की दिवाली, लाइट बहुत कम दिए ज़्यादा, जो रियल में दिखता वो कैमरे में नहीं दिखता। बाकी बहुत अच्छे दिए लग रहे हैं गांव में, दिए और मोमबत्ती। बड़ी कम जली आइस, हम भी अपनी छत पर देखो मोमबत्तियाँ लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं मोमबत्ती और दिए हम लगा रहे हैं। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं बहुत बहुत, क्योंकि ये इतना बहुत प्यारा त्यौहार है, इस त्यौहार से बहुत ज़्यादा हमारा ये त्यौहार सबसे बेस्ट त्यौहार है, बहुत मन लगता है इस त्यौहार पर। सभी मोमबत्तियों ने सभी ने लगा दी, हम भी लगा रहे हैं। तो दूर लगी बड़ा, देखिए हमारी छत। तो गाइस अब हम लक्ष्मी पूजन करेंगे पूरी फैमिली के साथ, हमारे जिया जी भी करवाएंगे साथ में लक्ष्मी पूजन। बने रहिए ब्लॉग के अंत तक और दिवाली से पूरे मजे लीजिए, क्योंकि दिवाली त्यौहार ही ऐसा है, एंजॉय करिए पूरा दिवाली। ये हमारे बड़े भैया भी आ गए, सभी लोग लक्ष्मी पूजन के लिए आ गए हैं अपने अपने स्थान पर और भैया पूजा कर रहे हैं। अभी मिश्री रानी भी तैयार होगी दिवाली के लिए, आप देख सकते हैं चमक मार रही है कतई। हमारी भाभी भी देख लो, हमारा टाइगर देखो, टाइगर टाइगर की फर्स्ट दिवाली है, युवराज की पहली ना, और युवराज की भी पहली दिवाली है इन दोनों भाइयों की। ये छोटा भाई है और ये बड़ा भाई है, इन दोनों की पहली पहली दिवाली है। ये बड़ी दीदी और जिया जी साथ में पूजन कर रहे हैं और हमारा भांजा तुषार भी। गाइस अभी हमारे भैया भाभी कर रहे हैं पूजा, अब थोड़ी बहुत देर में हमारा भी नंबर आएगा, हम भी करेंगे पूजा जोड़ा के संग बैठ के। अभी सब जोड़ा से पूजा कर रहे हैं, अभी देख लो पूरे चलिए जोड़ा भाई जोड़ा, हमारा नंबर आएगा थोड़ी बहुत देर में। गाइस ये फैमिली ब्लॉग है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें अपना और मुझे ऐसी ब्लॉग देखने के लिए सब्सक्राइब करें। 31 सब्सक्राइबर हैं इस चैनल पर, लेकिन 31 सब्सक्राइबर बिल्कुल अनजान है, ऐसे बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे, हमें काम करते रहना है। ये देखिए हमारे लक्ष्मी गणेश कितने सुंदर लग रहे हैं,
गाइस तो हमारा नंबर है। डॉली की अम्मा की डर सिलाम माना है डॉली की मम्मी ऊपर चांदी का सिक्का चुकाया है माता रानी के पे, सभी ने हाथ लगाया है। She
लक्ष्मी माता जो कोई नर गाता मैया प्रेम सहित गाता कह आनंद सुनाता आनंद सुनाता पाप उतर जाता की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। पूजा संपन्न हो चुकी है, अब हम पटाखे फोड़ेंगे अपने जो भी हैं। चल भाई अनार जला, अभी अनार जलाएगा, आप देख सकते हैं अनार जलने ही वाला है, बस कुछ ही तेज जा रही है, क्योंकि हवा चल रही है ना, लैटर भी नहीं चल पा रहा। ये अनार ये देख सकते हैं आप, ये देखिए अनार। तो गाइस देखिए हमारा पटाखे का कलेक्शन, ये पटाखे भी काफ़ी महंगे आए हैं, पहले इतने पटाखे 200-250 रुपए में आ जाया करते थे, अब यही पटाखे 4000 के आसपास के हैं। ओम बहुत इतनी महंगाई हो रही है, कोई बात नहीं, दिवाली भाई जैसे तैसे मनाएगी, मनानी तो पड़ेगी, अपना ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। कर रहे हैं, ये हमारे भांजे के पटाखे हैं, इसे बहुत ज़्यादा शौक है पटाखे चलाने का, ये शौकीन है, हमें देखा शौक रहा, हम तो वीडियो बना लेते हैं, अपने स्टेटस पर लगा लेते हैं, तो ब्लॉग में दिखा दिया मैंने आप सबको, अभी ने हम सबको फोड़ेंगे, ये फोड़ेगा इसे देखो आप, नहीं नहीं खाली फुल लड़ी लेडी से फोड़ेंगी, हाँ को एंड तक देखें, आप ज़्यादा मजा आने वाला, आप सबको पटाखे फोड़ रहे हैं, क्योंकि पटाखे फोड़ने में बड़ा मजा आता है, हालांकि तुम्हें वीडियो में देख के मजा नहीं आएगा इतना, लेकिन जितना ये देखिए जो हमने जलाया था वो पता नहीं क्या था, वो पहली बार देखा मैंने। गाइस हमारी देखो दीदी दोनों और आपकी भाभी काजल ये जला रही है, देखिए अंदर कर दीजिए, देख लो देख लो देख लो। और भैया कैसे रंग किया भाई, रेड। और क्या फिल्म है ये, राटे काट रही है, तो हमारी मम्मी भी आ गई, शामिल हो गई इसमें, देख लो युवराज, युवराज बड़ा खुश हो रहा है, ओम पो युवराज, पहली दिवाली बन रही है, पहली दिवाली तन्नू ने भी ले लिया, देख लो सभी लोग, ये तो यार बहुत अच्छी चीज़ है यार, ये तो फुलझड़िया लगी साहब की भाई, आई है दिवाली सुनो जी घर वाली तेरे ने ने लगे सजना मेरा आज बगेला आया है। भाई ये खत्म होने वाली है, देख लो आप भाई पोल्यूशन कर दो केड़ा करके, क्योंकि पाकिस्तान हार गया है, ये धुआं पाकिस्तान तक जाना चाहिए, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। हमारी मौसी जी भी आ गई, देखो दिवाली मनाते हुए हमारी मौसी जी, सबसे बड़ी मौसी यानी सबसे बड़ी माँ हमारी, हमारी मम्मी से बड़ी हैं और बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, तो यहाँ फोटोग्राफी चल रही है, जिया जी फोटो खींच रहे हैं दोनों दीदी होके, पटाखे अभी हमारे बहुत बच रहे हैं, अभी तो हमें बहुत सारे फोड़ने हैं, आप देख सकते हैं फुलझड़ी भी बहुत सारी बम भी हैं और ये अनार भी हैं और ये स्काई शॉट है, 5 स्काई शॉट हैं, ये भी फोड़ेंगे, ये चरखरी हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी तो ये मुर्गा छाप है, देखो देखो सामने
बाबू। हैप्पी दिवाली आप सभी को, हैप्पी दिवाली। गाइस अब हम गली में आ गए अपनी मोहल्ले में, घर से बाहर, घर में पोल्यूशन ज्यादा ही हो रहा कुछ, इसलिए बाहर कर रहे हैं अब सड़क पे। ओ कि हमारी पूरी फैमिली बाहर, हम पटाखे फोड़ रहे हैं, सभी लोग बाहर आ गए हैं, ये देख लीजिए सभी लोग बाहर आ गए, दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं हम सभी मिलके, काफ़ी अच्छा त्यौहार है, आप भी अपना एंजॉय करिए, हम भी कर रहे हैं और वीडियो देख। दोस्तों अब ये स्काई शॉट जा रहा है थोड़ी बहुत देर में ऊपर, भगवान जी से मिलने जा रहा है, ये आसमान में मंगल ग्रह पर जा रहा है, जो एलन मस्क ने बनाया रॉकेट। ऊपर देखना, हरियो बम्बई, हरियो हरियो मोटा वाला आलू बम। भैया रुक गया उधर का, तो उधर पता नहीं कौन से डिजाइन की है, ये लाल लाल सी आँख बंद कर दी इसने तो, वह इसने तो आँख ही बंद कर दी। चलो बम्बे भूल गया क्या भाई, ओम ओ बटर। सभी लोग दिवाली मनाते हुए आपने देखी थी थोड़ी देर पहले, देखी थी वही बटरफ्लाई, ये देखी क्या आतंक मचाती है, पीछे पड़ जाती है किसी के भी, आप देखिए अरे पीछे पड़ जाएगी, देखना ये बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई। नामाने अरे नामाने कहाँ गए, इतने से रह गए, भाई जाओ पूरा पैकेट गायब हो गए दो मिनट में ही, भाई तुम तो पहली डर रही हो भाई, अरे देख अरे घंटे। दोस्तों ये बटरफ्लाई फिर से चलाना, बटरफ्लाई अभी पीछे पड़ जाती है, आपने देखा था अभी क्या, अलग ही यूनिक लगा मुझे कुछ इस बार, ये पहली बार देखा मैंने दिवाली पे फटाका, अलग ही है कुछ। नाल फोड़नी नहीं आई पहले तो, अब देखते हैं दोबारा में फोड़ पाएगा, ये दो जने ले आए एक-एक करके फोड़ा थे तो बराबर उनके बोली ना। ओम कैसे घूम रही है, दर्राट काट रही है, ओम फो ले ले भैया ले दर्राट का, ऐसा घूमने की जगह नहीं मिल भाई सही, ले अरे अरे कैसे मेरी पीछे भागी, अरे घूम जा ना, घूमे हाँ घूम गई घूम गई घूम गई,
मैं कह रहा था ना वहाँ उधर करना भाई साहब, क्या हाल है? फिर से आपकी सेवा में एक बार टर गया बटरफ्लाई, आपकी सेवा में एक बार फिर से। स्पाइस शॉट फिर से देखने के लिए तैयार हो जाइए। स्पाइस शॉट ये यार एक बार तो नहीं दे गया था, ये देखते हैं कहाँ जाएगा। भगवान चला जा, गया गाइस। अब ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, हमारा दिवाली सेलिब्रेशन हो गया है, हमने पटाखे बहुत सारे काफ़ी सारे फोड़ लिए हैं। अब जितने भी हम पटाखे फोड़ रहे हैं सारे तो ब्लॉग में नहीं दिखा सकते क्योंकि ब्लॉग 2-3 घंटे की बन जाएगी फिर, और आप सभी इंजॉय करिए थोड़ा तरीके से पटाखे फोड़ें ना बचाव करके, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, गोवर्धन वाले ब्लॉग में मिलते हैं, कल गोवर्धन है और परसों भाई दोज के ब्लॉग में मिलते हैं। तो 3 दिन लगातार बैक टू बैक ब्लॉग आएंगे, बने रहें हमारे ब्लॉग्स की दुनिया में। तो बाय बाय।